स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। हेयर वी आर डूइंग यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द नर्नेस्ट इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी एंड सम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स टू दीज टॉपिक्स। इन आवर दिस लेक्चर हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, सम कमर्शियल सेल्स लाइक बैटरीज। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय बैटरीज? तो यू वेरी वेल नोन, cell is singular and when the cells are connected in series, the arrangement is called battery. For example, this is cell, this is the positive terminal of cell and this is the negative terminal of the cell. Okay, when these cells are arranged in series like this, positive, negative, positive, negative, positive, negative terminal, positive, negative. So this arrangement is known as the battery because these cells are connected in the series. So when the cells are connected in series, the arrangement is called the battery. Here we have various type of commercial cells, mainly जो है 3 types से होती हैं। तो उसमें सबसे पहला आपका होता है primary cells. These cells is known as the primary cells. What do you mean by the primary cells? The cells जो आपको पता है वैसे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तभी सेल के अंदर एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है और उस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से जो होता है उसमें करंट फ्लो करता है बिकॉज आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइट सेल सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी सेल? द सेल इन विच द रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, कि ऐसी सेल जिसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो सिर्फ वंस होती है, यानी कि द सेल्स इन विच redox reactions occurs only once, कि आपकी जितनी भी सेल्स जिसमें आपकी जो redox reaction है केवल एक बार होती है उसको हम क्या कहते हैं, primary cell। एक बार होने के बाद ये जो cells होता है, एक बार अगर आप उसको use कर लेते हो तो cell आपका जो होता है dead हो जाता है एंड इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो, मतलब ये जो है आपके जो cells होते हैं non rechargeable होते हैं। These cells are the non-rechargeable, you can say use and throw type cells आपके ये होते हैं। इसमें आपका जो example है, one is the dry cell and other is the mercury cell. This is the symbol of mercury, Hg, where is the mercury cell? तो हम इसमें से first start करेंगे dry cell। ठीक है, what is the dry cell? Dry cell usually used in the transistors, क्लॉक, वॉल क्लॉक जो आपकी होती हैं उसमें आपकी जो ड्राई सेल होती है, जो आपकी टॉर्चेस होती हैं उसमें भी आपका यूज़ होता है। जो ड्राई सेल है ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है लैक्लेंचे सेल का। अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी यहाँ पे ड्राई सेल कैसा होता है, क्या यू हैव ड्राई सेल दिस वन, ये जो आपका सेल है यहाँ पे, ये आपका क्या होता है, ड्राई सेल होता है जिसको आप वॉल क्लॉक में या ट्रांजिस्टर्स वगैरह में यूज़ करते हो। हर एक सेल में एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो आपको यहाँ पे इजीली पता चल रहा होगा सेल में कि यहाँ पे दिस इज वन इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज़ द नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे एक मेटल का कैप लगा हुआ है। अगर आप इसको तोड़ोगे कभी, अगर आपको कभी बैटरी ऐसी मिलती है, सेल ऐसी मिलती है, उसको अगर आप ब्रेक करोगे तो इसके अंदर से एक ब्लैक कलर की जो है वो रॉड निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट रॉड कहते हैं, जो कार्बन की बनी हुई सेल होती है। इसके ऊपर उनकी जो वोल्टेज सप्लाई होती है कि कौन सी वो वोल्टेज सप्लाई कितना दिया होता है, वो भी इसके ऊपर क्या होता है, मेंशन होता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा तो यहाँ पे लिखा रहा है कि 1.5 वोल्ट, तो ऑब्वियस है जो ड्राई सेल होती है उसकी जो रेंज होती है वो 1.5 वोल्ट ही होती है मैक्सिमम, 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट। तो ये आपको आई थिंक सो इजिली जो है विजिबल होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ, जहाँ पे मेरा ये हाथ है वहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। ओके, तो ये जो है आपकी जो सेल है ये ड्राई सेल है। अब इस ड्राई सेल की जो है कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, इसकी वर्किंग कैसी होती है, हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। मेरे पास जितने सेल्स होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी जो पॉसिबल होगा मेरे लिए, सारे तो पॉसिबल नहीं है बट फिर भी जितने पॉसिबल होंगे मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो दिखाऊँ। तो पहले हम ड्राई सेल की बात कर रहे थे। ड्राई सेल एक लैक्लेंचे सेल है। एक्चुअल में ड्राई सेल के अंदर क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर होता है जिसकी सबसे बाहर की कवरिंग होती है। तो ये आपका जो है सिलेंड्रिकल होता है, ये जिंक का बना हुआ कंटेनर होता है और ये एक्ट करता है एज ए एनोड। ये किसका काम करता है, एज ए एनोड का।
इसके सेंटर में एक रॉड रखी हुई होती है ग्रेफाइट की, वो नीचे को टच नहीं करती है, आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं टच करेंगे। तो यहाँ पे एक ग्रेफाइट की रॉड होती है, ये ग्रेफाइट जो होता है दैट इज़ द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इज द ओनली एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज यू हैव नोन। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है वो किसका बना होता है, कार्बन का, और ये किसका काम करता है, कैथोड का। ओके, तो यहाँ पे हमने जिंक का कंटेनर लिया है जो एनोड का काम करेगा, ग्रेफाइट की एक रोड हमने सेंटर पे पुट करी हुई है जो आपकी कैथोड का काम करेगी। जो स्पेस है आपका जिंक और ग्रेफाइट रोड के बीच में, इसमें एक पेस्ट फील होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक पेस्ट फील होता है, एंड वो जो पेस्ट होता है दैट पेस्ट वॉज द अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ये पेस्ट यहाँ से फिल होता है। और उसमें क्या होता है कि एक और यहाँ पे जो आपका कंपोजिशन होती है कि ये जो आपकी ग्रेफाइट की रॉड होती है इसकी साइड में मैंगनीज का डाइऑक्साइड इसको जो है वो यहाँ पे सराउंड करता है। यानी कि मैंने आपको जो है यहाँ पे दो तीन चीज़ें बता दी कि जिंक का हमने कंटेनर लिया, वो एनोड का काम करेगा, ग्रेफाइट की रॉड होगी वो कैथोड का काम करेगी, और इसके बीच में हमारा जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का जो पेस्ट होगा वो फिल होगा। बट जो आपकी यहाँ पे कार्बन की रॉड है ग्रेफाइट की, उसकी सराउंडिंग में हम पाउडर फॉर्म में मैंगनीज डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या करेंगे, फिट करेंगे। उसके बाद एट द एंड दिस ग्रेफाइट रॉड इज़ फिटेड विद ए मेटल प्लेट, यहाँ पे इसके बिल्कुल टॉप पे एक मेटल कैप आएगी। ये मेटल कैप मैंने आपको जो ड्राई सेल दिखाया था उसमें थी, ये देखिए यहाँ पे ये मेटल की कैप है, तो ये मेटल की कैप बिल्कुल टॉप पे होगी, कुछ इस तरीके से है जो ये आप बाहर आपको नज़र आ रहा है। जिंक का कंटेनर है, इसके अंदर ग्रेफाइट की रॉड है, और जो पेस्ट मैंने आपको बताया वो सारे पेस्ट यहाँ पे फिल हैं, और ये कैप आपको बाहर से यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये मेटल की कैप जो होती है ये ऊपर की तरफ जो होती है वो फिल होती है, उसको कवर करती है। जब इस सेल में रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं तो फाइनली कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तो हम वो करेंगे रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं। इस केस में जो आपका जिंक है, तो हम करेंगे कि जो जिंक है वो एनोड का काम कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड आपने लिया हुआ है जिंक सॉलिड फॉर्म में, ये जिंक क्या करता है, जिंक टू पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और दो इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, लॉस कर देता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहाँ पे करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है। फिर जो आपकी कार्बन की इलेक्ट्रोड थी, जो आपने ग्रेफाइट लिया था वो आपने कैथोड लिया था, और उसके सराउंड में आपने मैंगनीज डाइऑक्साइड और साथ में जो है अमोनियम क्लोराइड और वहाँ पे जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ था। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड में से जो Mn2 पॉजिटिव, जो आपका MnO2 है, MnO2 जो है अमोनियम 4 पॉजिटिव जो अमोनियम कटायन के साथ जो है कम्बाइन करेगा, और साथ में जो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन वो रिलीज़ करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एनोड पे रिलीज़ होते हैं वो कैथोड पे एक्सेप्ट होते हैं, तो वो Mn2O3+2NH3 एंड वाटर में क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपकी जो सेल रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे जो है वो अमोनिया गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। तो अगर अमोनिया गैस यहाँ पे कैथोड पे लिबरेट होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जो आपकी जो बैटरी होगी वो बिल्कुल फूल जाएगी, स्वेल अप कर जाएगी और ब्रेस्ट भी हो सकती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हमने सेल के अंदर ऐसी अरेंजमेंट कर रखी होती है कि वहाँ पे ये अमोनिया जो गैस होती है वो लिबरेट नहीं होती। उसके लिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे जिंक क्लोराइड का जो है वो पेस्ट डाल रखा है। तो जो अमोनिया होता है वो यहाँ पे जो जिंक क्लोराइड आयन है उसके साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, दैट कॉम्प्लेक्स इज Zn(NH3) का ट्वाइस Cl2। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जिंक क्लोराइड पेस्ट इन द ड्राई सेल, तो इसमें आपने बताना है कि जो जिंक क्लोराइड का पेस्ट हम डालते हैं वह एक्चुअल में क्या करता है, जो अमोनिया जो है आपकी कैथोड पे लिबरेट हो रही है उसके साथ जो है कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स का आपको नाम बताऊंगी, फिलहाल आपने अभी इसकी नेमिंग नहीं की है, ये एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, आप यूनिट नंबर 9 में इसकी नेमिंग करेंगे, बट फिर भी इसका नाम होगा डाइअमीन डाइक्लोराइडो जिंक। इसका नाम क्या होगा, इसका जो हम नेम स्टार्ट करते हैं वो कोऑर्डिनेट का, वो हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, डाइअमीन डाइक्लोराइडो जिंक सेकेंड। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसकी वजह से जो अमोनिया गैस होती है लिबरेट नहीं होने पाती और हमारे लिए कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं शो करती, क्योंकि वो जिंक क्लोराइड इज देयर फॉर द अमोनिया। इसकी जो आपकी वोल्टेज रेंज होती है, वैसे मैंने आपको भी ड्राई सेल जो है वो दिखाया था, उसकी जो वोल्टेज रेंज थी वो उसमें 1.5 लिखा हुआ था, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो जो मैंने सेल ली थी वो 1.5 वोल्ट की थी। वैसे इसकी जो वोल्टेज रेंज होती है 1.25 से लेके
1.50 वोल्ट होती है। 1.50 का मतलब आपका 1.5 वोल्ट ही होता है। तो ये आपका ड्राई सेल है। होप सो आपको जो ड्राई सेल है वो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार आप खुद से इसको रीकैप करके देखना कि मैंने आपको क्या कुछ बताया है, कि जिंक का मैंने जो है वो एनोड लिया है, ग्रेफाइट का मैंने जो है वो कैथोड लिया है, उसके बीच में मैंने अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड का पेस्ट फिल किया हुआ है, उसके बाद फिर हमने साइड्स में मैंगनीज डाई ऑक्साइड को पुट किया है, फिर जो सेल रिएक्शंस होती हैं वो वहाँ पर हमने यूज़ करी हुई हैं। उसके बाद जो आपकी सेकेंड टाइप की सेल है, दैट इज़ द मर्करी सेल। ये जो मर्करी सेल है वो प्राइमरी सेल का एग्जांपल है। नॉन रिचार्जेबल होती हैं, आप इनको यूज़ एक बार यूज़ करके फिर थ्रो कर देते हो। तो सेकेंड आपका जो है स्टूडेंट, दैट इज़ द मर्करी सेल। दिस मर्करी सेल को हम रॉबन मेलोरी सेल्स भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द रूबेन मेलोरी सेल्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज द रॉबन मेलोरी सेल्स। इसको हम जो लो करेंट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि रिस्ट वॉचेस होती हैं, हियरिंग एड्स होते हैं, उनमें यूज़ करते हैं। रिस्ट वॉचेस लाइक ये जो वॉच है आप जो लगाते हो हाथ पे, तो ये जो रिस्ट वॉच होती है वो इसमें जो सेल लगी होती है वो आपकी क्या होती है, रॉबर्ट मेलोरी सेल या मर्करी सेल होती है। बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज़ की होती है। अगर मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँ कि एक मैंने वॉच यहाँ पे ओपन करके रखी हुई तो आपको नज़र आ रहा होगा, देखो यहाँ पे छोटा सा जो है वो सेल लगा हुआ है। तो ये सेल जो है वो आपका जो है मर्करी सेल है। अगर ये निकल गया तो मैं आपको निकाल के भी दिखा दूँगी, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। आपको ध्यान में एक बार आ गया होगा कि ये मर्करी सेल होता कैसा है। इट टू बी डिफ़िकल्ट सम वर्ड, इसको मैं निकाल नहीं पा रही हूँ यहाँ से, बट अगर निकल जाए तो इट्स गुड। बट फिर भी बेटा आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो छोटा सा सेल लगा हुआ है वो क्या होता है, आपका मर्करी सेल होता है। तो ये जो वॉचेस वगैरह होती हैं, ये बहुत ज़्यादा लो करंट डिवाइस होती हैं। लो करंट डिवाइस होने की वजह से जो सेल्स होती हैं इनकी जो वोल्टेज होती है वो काफ़ी कम होती है। तो ये जो सेल्स होती हैं वो यहाँ पे जो है आपकी क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। तो मर्करी सेल बिल्कुल छोटा सा सेल होता है, इसमें हेयरिंग एड्स वगैरह में लगता है। तो इसमें आपका होता कैसा है, बिल्कुल छोटा सा कॉम्पैक्ट सा सेल होता है। ऐसा आपको देखने में अगर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो आउटसाइड होता है ये जिंक का कंटेनर होता है। ये जो जिंक का कंटेनर यहाँ पे लगाते हो, अगेन ये जो जिंक होता है वो एनोड का काम करता है। इसके यहाँ पे सेंटर में छोटा सा एक रॉड लेते हैं ग्रेफाइट का, जो ग्रेफाइट का रॉड होता है वो यहाँ पे कैथोड का काम करता है। दिस ग्रेफाइट रॉड एक्ट एज कैथोड। ग्रेफाइट की जो रॉड होती है, ग्रेफाइट एक्चुअल में कार्बन होता है, तो वो कैथोड का यहाँ पे काम करता है। हाँ, क्योंकि ये मर्करी सेल है इसलिए इसके बीच में जो पेस्ट भरा होगा वो मर्करिक ऑक्साइड्स एंड केवेज का यूज़ होगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड मर्करी का सिंबल क्या होता है, HgO एंड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो पेस्ट होता है ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। आपको मैंने बता रखा है बेटा कि मर्करी दो फॉर्म शो करता है, H पॉजिटिव एंड HG2 पॉजिटिव। जब वो पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा सिंगल, तो दिस इज़ नोन एज अ मर्क्यूरस, एंड प्लस टू फॉर्म में दिस इज़ नोन एज अ मर्क्यूरिक। तो ये आपके पास जो ऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो है वो कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2-, बिकॉज उसकी वैलेंसी 2 है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम होते हैं। तो दिस ऑक्साइड इज़ नोन एज द मर्क्यूरिक ऑक्साइड। एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट हर एक सेल में जो होता है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इन दोनों चीज़ों का जो पेस्ट होता है वो इनके बीच में, यहाँ पे जो एनोड और कैथोड है, जिंक का कंटेनर आपका एनोड और जो कार्बन की ग्रेफाइट रॉड है वो एनोड है, उसके बीच में यहाँ पे क्या करते हैं, फिट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वो क्या क्या रिएक्शंस होती हैं एट एनोड, आपको ये सारी रिएक्शंस कैसे होती हैं मैंने स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करा रखा है। तो जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, वो OH नेगेटिव मॉलिक्यूल के साथ इंट्रैक्ट करेगा। अब OH नेगेटिव मॉलिक्यूल कहाँ से आया, जो K पॉजिटिव OH नेगेटिव में जो है ये आपका KVH टूटता है, वहाँ से ये OH नेगेटिव मॉलिक्यूल आया। इसके साथ कंबाइन करके ये क्या बनाता है, जिंक का ऑक्साइड वाटर। एक्चुअल में जब जिंक यहाँ पे आता है तो उसको जिंक 2 पॉजिटिव के फॉर्म में होता है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो होता है 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए इसने यहाँ पे रिलीज़ किए हुए हैं। फिर सिमिलरली अगर मैं कैथोड की बात करती हूँ कि यहाँ पे कैथोड के साथ क्या होता है, तो कैथोड जो है आपका जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे आपने जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए हैं उसको भी क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे जिंक का ऑक्साइड प्लस मर्करी में जो है वो हो जाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल हो जाते हैं यहाँ से, वाटर भी मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है इसको यहाँ पे बनाते हो। जो ओवरऑल सेल रिएक्शन होती है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब हम इसका ओवरऑल सेल निकाल लेते हैं, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे जिंक लिख दिया और प्लस
HMgO लिख दिया यहाँ पे, जो आपका मरकरी के साथ यहाँ पे निकलता है साथ में जो, एक मिनट मैं इसकी सेल रिएक्शन हम दोबारा से करते हैं क्योंकि हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालने के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा। तो साइड में लिखना पड़ेगा सबसे पहले एट एनोड, एनोड आपने जिंक लिया है, हेयर वी हैव टेकन जिंक सॉलिड स्टेट OH नेगेटिव आयन, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने दो OH नेगेटिव आयन लिया, यहाँ पे जिंक का ऑक्साइड आएगा और आपके पास वाटर आएगा, साथ में दो इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी के नीचे हम जो है वो कैथोड वाली रिएक्शन लिखेंगे जिससे मुझे ऐड करने में जो है वो थोड़ी सी सिंपलिसिटी हो जाए। तो यहाँ पे आपने मरकरी का ऑक्साइड लिया प्लस क्या लिया वाटर, और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिलीज हुए थे वो कैथोड पे जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगे एंड दिस इज़ कन्वर्टेड इन टू द मरकरी लिक्विड फॉर्म में प्लस टू OH नेगेटिव आयन। ओवरऑल सेल रिएक्शन में आप देखो यहाँ पे OH से OH कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, वाटर से वाटर भी कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या लेफ्ट हैंड साइड जिंक प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड राइट हैंड साइड जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। अब यहाँ से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगी, यहाँ पर जो आप इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन देख रहे हो कैथोड और एनोड को ऐड करने के बाद, इसमें कोई भी आयन नहीं है, इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, यहाँ पे आपकी कोई भी आयन नहीं है जिसकी आयन की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होती, इसलिए जो आपकी ये मरकरी सेल होती है वो थ्रू आउट लाइफ जब तक ये डेड नहीं होती है कॉन्स्टेंट वोल्टेज देती है 1.35 वोल्ट। इसकी जो वोल्टेज की रेंज है मरकरी सेल की वो 1.35 वोल्ट है। एक्चुअल में आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाई मरकरी सेल गिव कॉन्स्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट लाइफ, बिकॉज इन मरकरी सेल द ओवरऑल सेल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन ट्रांसफर, कोई भी आयन्स नहीं है वहाँ पे, दैट्स वाई दे गिव द कॉन्स्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट लाइफ। मतलब कि अगर आपकी बैटरी जो है ये लगी हुई है किसी उसमें क्लॉक वगैरह में तो वो कंटिन्यूस चलेगी और जब बंद होगी तो इमिजिएटली ऑटोमेटिक वो एकदम से बंद होगी जब वो डेड होगा। तो थ्रू आउट लाइफ जो होता है वो मरकरी सेल जो है वो कॉन्स्टेंट वोल्टेज वहाँ पर आपका देता है। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा वोल्टेज रेंज इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ये आपके प्राइमरी सेल थे, अब आपके सेकेंड टाइप के सेल्स हैं सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हो और यूज़ करने के बाद उनको आप रिचार्ज करते हो, यानी कि ये जो आपके सेल्स होते हैं दीज सेल्स आर द रिचार्जेबल, रिचार्जेबल हैं बिकॉज अगर आपने इनको एक बार यूज़ किया डेड हो गए फिर आपने इनको दोबारा से चार्ज किया और फिर से आप इनको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपके फ़ोन की बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी होती है, लैपटॉप की बैटरी होती है, ये सारी जो हैं वो आपकी सेकेंडरी सेल्स होती हैं। अभी सेकेंडरी सेल के एग्जांपल आपके हैं लेड स्टोरेज बैटरी, जो आपकी लेड स्टोरेज बैटरी है, अभी इसको हम डिटेल में करेंगे। आपकी लेड स्टोरेज बैटरी जो है एक सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है एंड निकल कैडमियम सेल तीसरी आप सेकेंड वाली आपकी क्या है इसके दो एग्जांपल है निकल कैडमियम सेल। ये लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है, कहाँ यूज़ होती है, कैसे वर्क करती है और निकल कैडमियम सेल की क्या फंक्शन है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी आर टेकिंग लेड स्टोरेज बैटरी, तो लेड का सिंबल क्या होता है PV, लेड स्टोरेज बैटरी। बैटरी आपको पता है जब सेल्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो दिस अरेंजमेंट इज़ नोन एज द बैटरी। ये जो आपकी लेड वाली स्टोरेज बैटरी है ये ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है। ऑटोमोबाइल्स का मतलब जो आपके व्हीकल्स होते हैं जैसे कि एक्टिवाज जो आपकी आती है दूसरे वाली, एक्टिवा में तो खैर नहीं होता बट उसका मॉडल जो स्कूटी आती है उसमें आपकी बैटरी वाली भी वहाँ पे यूज़ होती है। और आप कह सकते हो कि इन्वर्टर्स जो होते हैं जो घरों में आपके इन्वर्टर्स लगे होते हैं, जो इन्वर्टर्स क्या करते हैं उनका दो काम है कि जिस टाइम वो चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिस टाइम लाइट चली जाती है वो डिस्चार्ज होते हैं तो आफ्टर डैट वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जनरली जो बैटरी होती है वो बैटरी आपकी 12 वोल्ट की होती है, जिसमें आपकी जो जनरल 12 वोल्ट की बैटरी होती है जिसमें 6 सेल्स लगे होते हैं, 6 सेल्स लगे होते हैं ईच ऑफ 2 वोल्ट। हर कोई क्या करता है 2 वोल्ट की जो जो आपकी पोटेंशियल होती है उसको क्या करता है प्रोड्यूस करता है। इसके केस में जो आपका एनोड है, एनोड का काम जो है वो लेड जो है कंसिस्ट ऑफ एनोड और एक आपकी लेड की ग्रिड होती है, मतलब जो प्योर वाला लेड होगा, प्योर वाला लेड होगा वो किसका काम करेगा आपका एनोड का। और यहाँ पे जो आप कैथोड लोगे, कैथोड में सिर्फ आपने क्या लेना है लेड की एक पोरस ग्रिड लेनी है और उस ग्रिड के अंदर एक पेस्ट फिल करना है, वो पेस्ट किसका होगा लेड
ऑक्साइड का। तो ये किसका काम करेगा? कैथोड का। तो मैंने आपको यहाँ पे एनोड बताया, लेड आपका एनोड है, लेड का ग्रिड जो होगा वो आपका कैथोड करेगा। ये जो आपकी होंगे ये अल्टरनेट वेज में अरेंज होगी। अल्टरनेट वेज का मतलब कि एक तो आपका एनोड आएगा यहाँ पे ऐसे, फिर आपका कैथोड आएगा जिसमें आपका लेड का ऑक्साइड ग्रिड में फिल होगा, आफ्टर डैट फिर से आपका एनोड आएगा एंड फिर से आपका क्या आएगा, कैथोड आएगा। तो इस तरीके से ये आपके जो है वो अरेंज होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 6 सेल्स होती हैं एंड आफ्टर डैट यहाँ पे फिर से एक आपका एनोड एंड फिर आफ्टर डैट कैथोड। इस वजह से ये अल्टरनेट वे में जो है अरेंज होते हैं और इनको हम सस्पेंड करते हैं, सस्पेंड करना मतलब ये हैंग करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है इनके बीच में एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट इज़ जो है ये इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो उसका सोल्यूशन होता है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन होता है, डाइल्यूट H2SO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। अब ये कितना आपने बनाया है, ये 38% बाई मास, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट आपका बना हुआ है दैट इज़ द 38% बाई मास ये इलेक्ट्रोलाइट आपका यहाँ पे बना होता है। अब इसको जब आप यहाँ से कनेक्ट करते हो तो कौन कौन सी सेल रिएक्शंस यहाँ पे होती हैं वो हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होती हैं, सबसे पहले आपकी जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होती हैं वो इसकी कैथोड पे क्या होती हैं और एनोड पे क्या होती हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एनोड लेंगे। आपने एनोड क्या लिया हुआ है, लेड। तो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे जो लेड है वो आपका एनोड है, इलेक्ट्रोलाइट आपका H2SO4 है इसलिए वहाँ से सल्फेट नेगेटिव आयन लेंगे और ये क्या बनाएगा, लेड का सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये कब होती है, जब आपकी बैटरी जो होती है वो डिस्चार्ज हो रही होती है, मतलब जब आप उसको क्या कर रहे होते हो, यूज़ कर रहे होते हो, मतलब जब अपना जो है इन्वर्टर को या ऑटोमोबाइल की बैटरी आपने चार्ज कर ली है और जब उसको आप यूज़ कर रहे होते हो ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ये रिएक्शन आपकी यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि एनोड है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, ऑब्वियस है रिडॉक्स में जो एनोड होता है उस पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है, तो ये आपको पहले से पता है। फिर हम बात करते हैं कैथोड पे। कैथोड आपने क्या लिया था, लेड का ऑक्साइड था जो लेड ग्रिड के बीच में फिल था और वहाँ पे भी जो सल्फेट आयन है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। एच पॉजिटिव आयन जो होगा वो एसिड से आएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स उसने रिलीज़ किए हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज होंगे एंड ये बनाएगा PbSO4 प्लस 2H2O, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है इसलिए यहाँ पर रिडक्शन होगा। इनको ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालने के लिए जो कुछ भी कॉमन हो वो कट कर दो, जैसे कि यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड है तो ये आपका यहाँ पे जो है वो कट जाएगा ओवरऑल रिएक्शंस में। आपका और कुछ भी है जो ओवरऑल रिएक्शन में कट सकता है, PbO तो नहीं, हम इसको ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिया है, लेड लिया है तो मैंने लेड लिख लिया। फिर मैंने क्या लिया हुआ है, PbO2 लेड का ऑक्साइड, PbO2 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सल्फेट आयन है तो यहाँ पे 2SO4 2 नेगेटिव है, फिर इस साइड आपका बचा 4H+2, बाकी इस साइड आपका कुछ नहीं बचा। फिर अब इधर आते हैं, इधर हमें 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे मिला और 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे मिला लेड सल्फेट का, तो 2PbSO4 आफ्टर डेट, यहाँ पे वाटर का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल आ गया। यानी कि जो ओवरऑल सेल रिएक्शन है उसमें देखो सल्फेट आयन भी है और एच पॉजिटिव आयन भी है, तो जो 2 सल्फेट आयन के लिए 4H+ आयन हमें चाहिए तो हमें पता है अभी H2SO4 बनता, तो ये आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन से आपको क्या पता चलता है कि जो आपका यहाँ पे जब ये सेल डिस्चार्ज होती है तो H2SO4 क्या होता है, यूटिलाइज होता है, यूज़ होता है, वहाँ पे क्या होता है, यूज़ होता है, जिसकी वजह से जो H2SO4 की जो डेंसिटी है वो सेल में क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। अब इसकी डेंसिटी जो है वो सेल में डिक्रीज़ करेगी जब इसकी डेंसिटी जो है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से नीचे चली जाएगी। जब तक 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर है या उससे अबव है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी जो डेंसिटी है वो 1.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से जो है वो आपकी चली जाएगी, तो इस केस में जो आपकी बैटरी होगी वो कम्प्लीटली क्या हो गई है, डिस्चार्ज हो चुकी है। अब आपको नीड है इसको रिचार्ज करने की, क्या करना है, इसको रिचार्ज करना है। जब आप इसको रिचार्ज करोगे तो डिस्चार्ज में आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड था वो यूज़ हो रहा था और जब इसकी रिचार्जिंग करोगे आप तो वो जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा उसका क्या होगा, फॉर्मेशन होने लगेगा। रिचार्जिंग में जो आप सेल होती है वो ऑपरेट करती है लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप क्या करते हो, करंट की सप्लाई बाहर से देते हो, तो जब करंट की सप्लाई बाहर से दोगे तो यही जो रिएक्शन आपने यहाँ पर डिस्चार्ज में की है इसकी रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी रिचार्जिंग में। रिचार्जिंग में आपकी रिएक्शन कैसे होगी, जैसे आपने फर्स्ट रिएक्शन किया था कि वहाँ पे PbSO4
प्लस टू इलेक्ट्रॉन बन रहा था, तो वो रिवर्स होके क्या बन जाएगा, पी वी प्लस एस ओ फोर टू नेगेटिव। देखो आप यहाँ से इसको कंपेयर करो, पी वी एस ओ फोर टू नेगेटिव और दो इलेक्ट्रॉन, और सेम इसका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ये कहाँ पे होगा, आपका कैथोड पे। और ये कब होगा, जब आपकी बैटरी दोबारा से क्या होगी, रिचार्ज होगी। रिचार्ज अगर आपका जो H2SO4 है उसकी डेंसिटी कम होगी, उसके लिए आप यूज़ करते हो। उसके बाद एनोड पे भी जो रिएक्शन आपने करी है वो बिल्कुल रिवर्स होगी। यहाँ पे आपका जो वाटर होगा वो कन्वर्ट होके आपका क्या बनाएगा, लेड का जो ऑक्साइड होगा प्लस SO4 टू नेगेटिव आयन, कुछ 4H पॉजिटिव आयन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर दोगे, और इसको अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 2PbSO4 ऐड कर रहे हैं रिएक्शन को, 2H2O PV प्लस PbO2 यानी कि लेड का ऑक्साइड, 2 सल्फेट आयन प्लस 4H पॉजिटिव आयन। ये जो सल्फेट और H पॉजिटिव आयन है ये आपस में कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल किसका बना देंगे, H2SO4 का। तो यहाँ पे H2SO4 की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये आपकी जो रिएक्शन है वो क्या शो कर रही है कि आपकी जो लेड वाली सेल है, लेड सोर्स बैटरी है, वो दोबारा से क्या हुई है, रिचार्ज हुई है। तो जब ये रिचार्ज हुई है तो रिचार्जिंग के केस में यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से फॉर्मेशन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन वहाँ पे प्रॉपर आ गई। अब ये आपकी सेल फिर से यूज़ करने के लिए प्रिपेयर हो गई। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द लेड स्टोरेज बैटरी। नाउ आवर सेकेंड इज़ द निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल को आप निकैड सेल भी बोलते हो, इसके नाम से निकल का निकैड, कैडमियम का कैड ले लेते हैं, तो इसको आप निकैड सेल बोलते हो। ये मेनली आपकी कैलकुलेटर में यूज़ होती है, जो आप कैलकुलेटर्स यूज़ करते हो, लॉन्ग लास्टिंग इसकी लाइफ होती है, बट ये आपकी क्या होती है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो जो है किसके बने होते हैं, कैडमियम इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड। और यहाँ पे जो आपका, अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड जो है वो आपका किसका होता है, कैडमियम का होता है। और जो यहाँ पे आपका कैथोड होता है, एक्चुअल में कैथोड में एक ग्रिड होती है, जैसे उसमें आपने लेड की ग्रिड ली थी, यहाँ पे जो ग्रिड होगी है वो निकल की ग्रिड होगी। और इस निकल के ग्रिड के अंदर निकल ऑक्साइड का जो पेस्ट होगा वो क्या होगा, फिल होगा। यहाँ पे निकल ऑक्साइड का जो पेस्ट होगा, निकल 4 फॉर्म में लोगे तो ये आएगा NiO2। निकल जो है वो 4th ऑक्साइड लेंगे यहाँ पे, NiO2, निकल का 4 ऑक्साइड जो है NiO2, बिकॉज निकल पे 4 चार्ज है। ये यहाँ पे जो है वो कैथोड का काम करेगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करोगे वो आपका क्या होगा, अगेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। आपने पीछे जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया था मर्करी सेल में, निकल कैडमियम सेल में भी हम जो है, निकल कैडमियम सेल में भी जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इट इज़ यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट, कैडमियम यूज एट एनोड, एंड निकल ग्रिड फिल्ड विथ निकल ऑक्साइड एक्ट एज द कैथोड। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज क्या होती है, जब ये आपका सेल होता है वो डिस्चार्ज करना स्टार्ट करता है, जब आप इसको क्या करते हो, यूज़ करते हो, तो डिस्चार्ज करने में जो रिएक्शंस होती हैं, आप एनोड की बात करो, एनोड आपने किसकी बनाई हुई है, कैडमियम की। तो यहाँ पे आपने कैडमियम लिया, इलेक्ट्रोलाइट आपका KOH है, तो वहाँ से OH नेगेटिव आयन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बनेगा कैडमियम का हाइड्रोक्साइड, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम कैथोड की बात करेंगे, तो कैथोड में क्या सेल रिएक्शन होगी, निकल का 4th ऑक्साइड आपने यहाँ पे लिया हुआ है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इसने लिबरेट किया है उसको एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे बनेगा आपका निकल का हाइड्रोक्साइड प्लस 2OH नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करो, ये रिएक्शन वैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे भी कुछ 2 आया है, तो जो यहाँ पे 2OH नेगेटिव आयन है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल सेल रिएक्शन आपकी क्या बनती है, निकल का ऑक्साइड प्लस कैडमियम प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू द कैडमियम हाइड्रोक्साइड एंड निकल हाइड्रोक्साइड। दिस इज़ द ओवरऑल सेल रिएक्शन। जब ये रिएक्शन यहाँ पे होती है तो यहाँ पे जो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रोड्स के साथ क्या हो जाता है, एडहेयर हो जाता है, मतलब जैसे जो आपका इलेक्ट्रोड है उसके साथ यहाँ पे एडहेसिव फॉर्म में आ जाएगा। जब इसकी आप ये जब सेल डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज होने के बाद जब इसकी रिचार्जिंग होगी तो यही वाली जो रिएक्शंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, आपकी रिवर्स हो जाती हैं। ये जो सेल होता है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होता है 1.4 वोल्ट के अराउंड जो होता है इसका जो है वो आपका पोटेंशियल होता है, जितने पे ये वर्क करता है इसका जो आपकी पावर है इसकी। तो ये आपने जो है वहाँ पे जो है निकल कैडमियम सेल भी किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। अभी कमर्शियल अवेलेबल सेल में आपका एक सेल रह रहा है, फ्यूल सेल, बट उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इसमें जो कुछ भी नहीं समझ में आता है
वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। एंड जो है चैनल को जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेटा मैं कह रही हूँ उसको सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं कभी भी वीडियो डाल सकती हूँ और आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, दैट्स वे आपका एक भी वीडियो जो है स्किप नहीं होगा। थैंक यू सो मच।